जो आप कह रहे हैं कि वीडियो में खुद कपड़े फाड़े हैं, वो वीडियो आई हुई है, उसमें नग्न परेड कराया जा रहा। मैं कपड़े फाड़े, उन्होंने कपड़े फाड़ते वीडियो में, कोई कपड़े फाड़ते नजर नहीं आ रहा है कोई भी, और ना ही हमने ना इस तरह की वीडियो डाली जा सकती है कि नंगी महिलाओं की वीडियो, ये तो अश्लील वीडियो है। अरे इस तरह की वीडियो पे यदि सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल नहीं रहा है, खामोशी अख्तियार है, इस तरह की वीडियो डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा, तो इससे घटिया रकत तो कोई हो ही नहीं सकती। खामोश कहाँ, खामोश कहाँ है जैन साहब? सुप्रीम कोर्ट तो संज्ञान लेके उस पर सुनवाई कर रहा है। कह रहे हैं कि आदिवासी पूरी समाज ही आज के वक्त में खतरा है मौजूदा सरकार में, ऐसा क्या हो रहा? खतरा बिल्कुल है, आदि की जाति कोई नहीं होती है, ना मितई समाज हो या कुकी समाज हो। पहली बात तो ये है कि जिसने जो अपराध किया है उसको अगर सजा मिलती है तो कम से कम किसी भी समाज के लोग सुरक्षित तो रहेंगे। बात वो बात अलग की बात है कि आप हिंदू हटाओ, मुसलमान हटाओ, क्रिश्चियन हटाओ, जो भी हटाना है, लेकिन अपराध के लिए तो कानून बना हुआ है ना। बिल्कुल कानून बना हुआ है। दोस्तों नमस्कार, मणिपुर पे इतना बवाल मचा है कि जो अविश्वास प्रस्ताव भी सदन में लाना पड़ा मोदी सरकार के खिलाफ में, और अविश्वास प्रस्ताव का मतलब कई लोग ये समझ रहे हैं कि सरकार रहेगी या जाएगी। सरकार तो रहेगी, बहुमत उनके पास है। अविश्वास प्रस्ताव लाने का एक ही मकसद था, किसी तरह से मोदी जी सदन में आए और बोले मणिपुर के ऊपर में। खैर, हमारे साथ दारा सेना के मुकेश जैन जी खड़े हैं, और मितई और कुकीज़, जहां मितई हिंदू समुदाय से बिलोंग करते हैं, वहीं पे कुकीज़ क्रिश्चियन समाज से ज़्यादातर बिलोंग करते हैं, और ज़्यादातर मितई हिंदू समाज में आते हैं। मुकेश जैन जी हिंदू समाज के बहुत सारे बातें रखते रहते हैं और बड़ा ही मुखरता से बहुत सारी बातें उठाते हैं हिंदू समाज के लिए। मुकेश जी आज फिर खड़े हैं मितई समुदाय के समर्थन में। मुकेश जी, लगातार आप मितई समुदाय के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन जो घटनाएं हुई कुकी समाज के महिलाओं के साथ में, वो तो बहुत बड़ा गलत बात है ना, तो कैसे आप समर्थन कर रहे हैं मितई समाज का? मैंने तो कुकी समाज के महिला के साथ कुछ घटना देखी नहीं है, ये घटनाएं सिर्फ आपको दिखाई दे रही, सुप्रीम कोर्ट को दिखाई दे रही है। अरे सुप्रीम कोर्ट या वो लोग तब खामोश कहाँ थे जब मंदिर जलाए जा रहे हैं, वो घटनाएं दिखाई दे रही, जब मैते हिंदुओं की 150 महिलाओं को बलात्कार किया गया, 150 मारा गया, उसमें बलात्कार भी किया गया, मार मार के देश छोड़ने को, अपना ही देश छोड़ने को मजबूर किया, वो घटनाएं किसी को नहीं दिखाई दे रही। खाली दो महिलाएं जो कि खुद अपने कपड़े फाड़ती हैं सैनिकों से उन आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए, आपने देखी है वीडियो कि 12 आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए मणिपुर की कुकी महिलाएं अपने कपड़े फाड़ रही हैं, कपड़े, और उनके जब कपड़े फट गए तो सैनिकों ने उन 12 आतंकवादियों को छोड़ा, ये तो सेना ने बोला है। तो ऐसी वीडियो तो है, देखिए हम आप ऑन कैमरा बात करें, आप अपने विचार रखेंगे, मैं कहीं नहीं रोकूंगा आपको, लेकिन जो बीच में चीज़ें हैं वो तो मुझे बोलना ज़रूरी है। जो आप कह रहे हैं कि वीडियो में खुद कपड़े फाड़े हैं, वो वीडियो आई हुई है, उसमें नग्न परेड कराया जा रहा। मैं कपड़े फाड़े, उन्होंने कपड़े फाड़ते वीडियो में, कोई कपड़े फाड़ते नजर नहीं आ रहा है कोई भी, और ना ही हमने ना इस तरह की वीडियो डाली जा सकती है कि नंगी महिलाओं की वीडियो, ये तो अश्लील वीडियो है। अरे इस तरह की वीडियो पे यदि सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल नहीं रहा है, खामोशी अख्तियार है, इस तरह की वीडियो डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा, तो इससे घटिया रकत तो कोई हो ही नहीं सकती। खामोश कहाँ, खामोश कहाँ है जैन साहब? सुप्रीम कोर्ट तो संज्ञान लेके उस पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में मंदिरों को जलाए जाने पर संज्ञान नहीं लिया, केवल उन महिलाओं के ऊपर संज्ञान ले रहा है, जो हिंदू विरोधी तत्व हैं वही सब सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, इन बातों पर संज्ञान ले रहे हैं। 250 चर्च भी तो तोड़े गए हैं, तो तभी तो सुप्रीम कोर्ट को खामोशी टूटी है, जब मंदिर जलाए गए थे तब तो चुप था, केजरीवाल भी चुप था, ओवैसी भी चुप था, ममता भी चुप थी, राहुल भी चुप था, सोनिया भी चुप थी, ये सब मंदिरों को तोड़ने वाला गिरोह है। जब 250 चर्च में आग लगाई गई तो पास ही उल्टे पड़ गए, ईंट का जवाब पत्थर से मिला, तो ये सब बौखला उठे। आज तक पूरे पूर्वोत्तर में मंदिरों में आग लगाई जा रही है पिछले 100 सालों से, तब कोई नहीं बोल रहा है, किंतु आज पहली बार जब चर्च में आग लगी है तो ये सब सोनिया गांधी बोलने को मजबूर हो गई है, राहुल गांधी बोल रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाया, संसद को ठप किया जा रहा है। तो चलिए, मैं अभी मणिपुर की तो आप बात कर रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पे तरह तरह की हर आदिवासी समाज के लोग आते हैं, कह रहे हैं कि आदिवासी पूरी समाज ही आज के वक्त में खतरा है मौजूदा सरकार में, ऐसा क्या हो रहा? खतरा बिल्कुल है, खतरा ईसाइयत से है, अंग्रेजियत से है, जो उनके धर्म को नाश कर रही है। आदिवासी ईसाई थोड़ी ना, आदिवासी में अधिकांश लोग ईसाई बना चुके हैं, वही तो रो रहे हैं, वही तो खतरा दिखा रहे हैं, जो ईसाई बन चुके हैं वही तो रो रहे हैं कि उन पर खतरा है। जो लोग हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो पूरा गिरोह है, गैंग है, वही गैंग रो रहा है आज की तारीख में। ये सोनिया गांधी उन्हीं ईसाई आतंकवादियों की सिफत सालार है, इसने अपनी जो किचन कैबिनेट थी ये राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, उसमें अरुणा राय को लिया हुआ था, जोन दयाल को लिया हुआ, तिस्ता सीतारवाड़ को लिया हुआ था, जेन ड्रेज को लिया हुआ था, ये सब उसी आतंकवादी गैंग के लोग हैं जो कि ईसाइयत के आतंकवाद को फैला रहे हैं, नक्सली आतंकवाद को फैला रहे, देशद्रोह फैला रहे हैं। मौजूदा वक्त में अगर आप ये सब चीज़ें कह रहे हैं तो मोदी जी क्यों नहीं आके ऐलान कर देते कि मतलब इस वजह से, दो शब्द इस पर ही बोल देते आके कि जो कर रहे हैं उसी के ऊपर बोल देते, क्यों नहीं बोल पा रहे?
क्या बोलना बताओ ना, मोदी जी क्यों नहीं बोल पा रहे? जिस तरह से पूरा का पूरा मेन लाइन जो न्यूज क्लिक जैसे देशद्रोहियों से मदद लेने वाला लोग है, इंग्लैंड से मदद लेने वाला, वो मीडिया से तो पूछो तुम क्यों खामोश है मंदिर जलने भाई, मोदी जी कहीं को कहाँ बोलना है मोदी जी देखेंगे, किंतु आप उस मीडिया से, उस सोनिया से, उस राहुल से, उनसे पूछो तो मंदिर जलने पे आज तक दो शब्द क्यों नहीं बोले आपने कि मंदिर जलना गलत है। जिस तरह से वो खामोश हैं, मोदी जी भी आँख बंद करे बैठे, आँख बंद नहीं करनी चाहिए। मुझे भी कई कोई दो महिलाएं नंगीन दिखाई दी, आपको दिखाई दे रही होगी परेड, किंतु मैंने तो आज तक कोई परेड नहीं देखी, ना मैं देखूंगा इस परेड को। नहीं, एक बात बताइए, हिंदू 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 की आप ठीक है, हिंदू की तरफ से आप बात रखते हैं, मैं कहता हूँ मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू समाज में भी तो बलात्कार की घटनाएं हो रही है, उस समाज में हिंदू ही हिंदू का भी तो बलात्कार कर रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं होती है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अपराधी की जाति कोई नहीं होती है, ना मितई समाज हो या कुकी समाज हो, पहली बात तो ये है कि जिसने जो अपराध किया है उसको अगर सजा मिलती है तो कम से कम किसी भी समाज के लोग सुरक्षित तो रहेंगे। बात वो बात अलग की बात है कि आप हिंदू हटाओ, मुसलमान हटाओ, क्रिश्चियन हटाओ, जो भी हटाना, लेकिन अपराध के लिए तो कानून बना हुआ है ना। बिल्कुल कानून बना हुआ है, इस तरह की किसी महिला की लज्जा भंग करने की, बलात्कार नहीं, किसी तरह कपड़े फाड़ देना, ये कर देना, उसकी सजा 2 साल। किंतु आतंकवादियों की सजा फांसी है, आतंकवादियों की सजा आजीवन कारावास है, किंतु सुप्रीम कोर्ट या दूसरे लोग इस तरह की घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं जो मामूली घटनाएं हैं, किंतु जो आतंकवादी हैं आज, मतलब बलात्कार या रोजमर्रा की जो इस तरह घटनाएं काम के भावना से प्रभावित होकर इस तरह की घटनाएं हैं, उनको आतंकवाद से बड़ा दिखाया जा रहा है, क्योंकि आतंकवाद को छोटा दिखाना है। एक बहुत बड़ी साजिश के तहत आतंकवादियों को छोटा दिखाया जा रहा है और लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है बलात्कार पर, महिला को छेड़छाड़ पर, क्योंकि इस तरह की एक साजिश है, मतलब ताकि आतंकवाद से हिंदुस्तान में जो ईसाइयत का आतंकवाद चल रहा है, नंगा नाच चल रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग चल रहा है, इससे आंखें बंद रखी जा सके। चलिए मुकेश जैन साहब, मुझे आखिरी में एक चीज़ बात बताइए, हर अभी सरकार की तरफ से कई बार बयान आते हैं कि मणिपुर में जो हो रहा है वो बाहर के आतंकी आके कर रहे हैं, म्यांमार से आतंकी आ रहे हैं वो आके कर रहे हैं, तो मोदी जी कम से कम NRC ही वहाँ करा दे कि सबको बाहर कर दे, जो आतंकी है, जो घुसपैठी है, जो माइग्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो इलीगल घुसे हुए हैं, क्यों नहीं करा देते? यही आगे बोल दे, वही तो शुरू किया गया था, जो कुकी आतंकवादी म्यांमार से आए थे, वहाँ पर अफीम की खेती कर रहे थे, इलीगल चर्च बना रहे थे, उन चर्च को तोड़ा गया, इलीगल चर्च को, गैरकानूनी चर्च को, तो उसके बाद ये मुखर हो गए, ये लोग सब, ये सब बौखला गए, और इसी बौखलाहट का नतीजा है कि पूरा का पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग इकट्ठा हो गया और उसने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। किंतु मोदी जी वो धर्मात्मा है, मोदी जी वो महान पुरुष हैं जो इन दुष्टों का विनाश करके रहेंगे। हर समाज, हर समुदाय के लोगों की अपनी राय, विचारधारा होती है, ये इनका विचार था जो मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से लोग सोचते हैं, हिंदूवादी संगठन से बिलोंग करते हैं, हिंदूवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, इनकी विचारधारा क्या है, ये बस आगे बढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा था, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। सवाल तो बहुत सारे मैं कर सकता हूँ और पूछ सकता था, लेकिन सवाल ये है कि हर वक्त सवाल नहीं, कभी कभी लोगों की विचारधारा भी समझना पड़ता है कि किस विचारधारा में बंदा जी रहा है।